गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फॉर बीएससी थर्ड स्टूडेंट्स हम ग्रुप पढ़ेंगे कि ग्रुप्स होते क्या हैं। इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, पहले आप इन पर दें ध्यान दें। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे ये प्रकार के अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, नेचुरल नंबर्स ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, इंटीजर्स रियल नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये इनको हम क्या कहते हैं? अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। ग्रुप वाइड क्या होता है? एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर जी इज एन नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट इज कॉल्ड ए ग्रुप्ड और क्वेसी ग्रुप। इस प्रकार डिनोट करते हैं। ये लूप की डेफिनेशन आ गई। ये आइडेंटिटी है ई डॉट ए बराबर ए बराबर ए डॉट ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये सेमी ग्रुप की डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, आप करते जाएं। ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ये इनकी संरचनाएं हैं। आगे बढ़ें, ये मोनोवाइड की डेफिनेशन है, सिंपल है, ग्रुप है ये। ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इसके अंदर क्या होता है? ई डॉट ए बराबर ए ई डॉट ए। अब सबसे पॉइंट शुरू होते हैं इस चैप्टर में अंदर ग्रुप की, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013 में भी आया हुआ है कि आपसे ये भी पूछ लेके कि ग्रुप की डेफिनेशन दे। तो ये देखें, ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ए ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे ये ग्रुप है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या है? ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट वन स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। देखें ये कंडीशन सी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी E belongs to G such that A star E बराबर है E star A बराबर है A for all A belongs to G। ये binary operator है। ये plus का भी हो सकता है, minus का भी हो सकता है, cross का भी हो सकता है, जो भी operator होगा उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। Existence of inverse मतलब for all A belongs to G there exist A dash मतलब inverse for A dash belongs to G such that ए स्टार ए डैस बराबर है ए डैस ए स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये की ये इनवर्स की है, वेयर ए डैस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए मतलब ए डैस इज इक्वल टू बराबर होता है ए माइनस वन इनवर्स ऑफ ए। परिभाषा एक एरिक समुच्चय जी में परिभाषित द्विव प्रक्रिया द्विव संक्रिया स्टार सहित बीजीय संरचना जी स्टार ग्रुप कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया स्टार निम्न प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करे। सहचारिता एसोसिएटिविटी ये देखे आप हो गया, फिर आइडेंटिटी देखें, अब इनवर्स वाला ही देखें। अब ये देखिए एबिलियन ग्रुप क्या होता है? एबिलियन ग्रुप में क्या होगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम उसको एबिलियन ग्रुप कहेंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होगी ए स्टार बी नॉट इज इक्वल टू बी स्टार ए तो ये एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अब ये आ जाते हैं फाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आप तैयार कीजिएगा। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है ये देखिएगा, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, उदाहरण के रूप में समझाया गया है, ये आप देखें इसको भी पढ़ें। उदाहरण दिए हैं ये, प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय आई बराबर है माइनस वन स्क्वेयर सम अंडर रूट है समीकरण संख्याओं के गुणन के एक समित अभिलयन ग्रुप है। ये देखिए आप जी है, ये चलते जाएं आप, तो इस प्रकार ये आप सोल्व करें। ओमेगा थ्री क्या होती है? एक होता है। आगे चलें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का दे रखे है, ये आप पढ़ें।
ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ये भी देखें, ये भी पढ़ें आप, ये भी पढ़ें। देखिए आप एग्जाम्पल उदाहरण है 12, ये अपने राजस्थानी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। ये भी देखें, ये भी देखें आप, यहां तक आप पढ़ें 218 पेज तक।